दोस्तों बाकी खबरों की बातें हम हमेशा से करते आए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कॉमन सेंस की और आपकी ऑब्जर्वेशन की। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके जो लोगो होते हैं उसके पीछे का मकसद क्या होता है, उसके पीछे एक मैसेज होता है, उसके पीछे मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। तो आज हम इन लोगो पर बात करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर इनके पीछे की वजह क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गूगल बाबा की। गूगल के बिना आज के दौर में कुछ भी संभव दिखाई नहीं देता है। आपको कुछ भी जानना है आप गूगल पे जाइए, आपको सब मिल जाता है। लेकिन उसके लोगों के पीछे की कहानी क्या है, उसके लोगों के पीछे का मकसद क्या है, ये बताते हैं आपको। अंग्रेजी का एक शब्द गूगल है जिसका गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया और नाम पड़ गया गूगल। इसका मतलब होता है वो नंबर जिसमें एक के बाद 100 शून्य लगे हों। गूगल के लोगों में शुरुआत में 4 अलग अलग प्राइमरी कलर्स हैं, लेकिन फिर से ब्लू आ जाता है। ऐसा गलती से नहीं हुआ बल्कि जानबूझकर किया गया है। इससे गूगल ने मैसेज देने की कोशिश की है कि हम नियमों में बंधना पसंद नहीं करते हैं। कंपनी नियमों को तोड़ना पसंद करती है और मजे करना पसंद करती है। और अब बारी आती है विकिपीडिया की। विकिपीडिया पर जाकर आप किसी के बारे में भी सब कुछ पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, उस पर सारी जानकारी उपलब्ध होती है, लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या है ये आपको नहीं पता होगा। ये भी देखिए, विकिपीडिया के लोगो पर आपने कभी गौर किया है? विकिपीडिया का लोगो एक ऐसी दुनिया को दिखाता है जो ऊपर की तरफ से पूरी तरह से बनाई नहीं गई है, जिससे पता चलता है कि किसी एक जगह पर हम दुनिया के बारे में जितना भी बता दें या भर दें वो कम ही है। हर तरफ से जानकारियों का आना जारी है और इसीलिए वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये खाली जगह लोगों की ओर से भरी जा रही उन्हीं जानकारियों को दिखाता है। चलिए अब बारी आती है अमेज़न की। अमेज़न शॉपिंग की दुनिया में सबसे ऊपर आने वाला नाम है और इसका जो लोगो है उसके पीछे की कहानी क्या है ये आपको नहीं पता होगी या आपने जानने की कोशिश नहीं की होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है, देखिए। शॉपिंग की दुनिया में सबसे ऊपर रहने वाले अमेज़न को कौन नहीं जानता, लेकिन शायद आपने इसके लोगो को जानने की कोशिश नहीं की। अमेज़न के लोगो में तीर की मदद से एक स्माइली फेस नजर आता है, यानी अमेज़न अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए है। लेकिन इससे भी खास यह है कि ये तीर A to Z की तरफ जाता है, मतलब इस साइट पर आपकी शॉपिंग नीड्स के लिए A to Z यानी सब कुछ अवेलेबल है। पिछले दशकों से आप LG का नाम सुनते आ रहे हैं और LG का जो लोगो है उसमें एक हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। क्या है उस हंसते हुए चेहरे की कहानी, देखिए। LG मतलब लाइफ्स गुड कहने वाली इस कंपनी के लोगो में एक हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आता है। कंपनी का कहना है कि इस लोगो के जरिए इंसानियत को सेंटर में रखा गया है। इसका सर्कल वर्ल्ड, फ्यूचर और यूथ को दिखाता है, तो वहीं रेड कलर दोस्ती को दर्शाता है। ठंडा मतलब कोका कोला। गर्मी का मौसम आ गया है और आप सभी को कोका कोला की जरूरत पड़ेगी। हर कोई कोका कोला पीने के लिए जाएगा, लेकिन कोका कोला के पीछे जो लोगो लगा हुआ है उसकी कहानी क्या है ये कोई नहीं जानना चाहता या उसने नहीं जानना चाहा, आज तक जानकारी नहीं होती है, वो भी देखिए जरा। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, प्यास बुझाने के लिए हर शख्स कोका कोला की तरफ दौड़ता है, लेकिन कभी इसके लोगो के बारे में नहीं सोचता। दरअसल कोका कोला के इसके लोगो में डेनमार्क का झंडा छुपा है। हालांकि ये ज्यादातर लोगों को नजर नहीं आता, इस लोगो को तैयार करते वक्त डेनमार्क के फ्लैग वाली बात पर फोकस नहीं था, लेकिन जब कंपनी को पता लगा कि उनके लोगो में दुनिया के सबसे खुशनुमा देश माने जाने वाले डेनमार्क का फ्लैग दिखता है तो उन्होंने इसका खूब प्रचार किया। चलिए अब बारी आती है यूनिलीवर की। यूनिलीवर का आप जब लोगो देखेंगे तो बहुत ही साधारण सा, सिंपल सा दिखाई देता है, लेकिन वो साधारण नहीं है। बनाने वाले ने इसके पीछे भी बहुत दिमाग लगाया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है, देखिए जरा। यूनिलीवर का लोगो यूं तो बेहद सिंपल सा लगता है, पर गौर से देखने पर इस यू के अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स या उनके लोगो नजर आते हैं जो कंपनी तैयार करती है। शहद के लिए मधुमक्खी हो या साबुन के लिए डव, देखा हर लोगो कुछ ना कुछ कहता है। चलिए अब बारी आती है बास्किन रॉबिन्स की। बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम बहुत टेस्टी होती है, आपने भी खाई होगी, लेकिन उसके पीछे का जो लोगो है उसके पीछे की एक कहानी है। उसमें जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बनाए गए हैं, उसमें डाला गया है। क्या है उन कलर्स की कहानी, देखिए। बास्किन रॉबिन्स की टेस्टी आइसक्रीम के तो क्या कहने। बर्ड बास्किन और IRB रॉबिन्स ने 1953 में इस कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन इसके लोगो के बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा।
पिंक और ब्लू कलर का यह लोगो लड़कियां और लड़कों दोनों पर फोकस करता है। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि बास्किन रॉबिन्स के लोगो में पिंक रंग से आधा बी और आर बना है। पिंक कलर को गौर से देखेंगे तो 31 नंबर दिखेगा, यानी 31 फ्लेवर्स की आइसक्रीम यहां आपको मिलती है। तो दोस्तों ये थे कुछ ब्रांड्स जिनके बारे में हमने आपको बताया, और अब बात करते हैं कार की। कार खरीदना हर किसी के लिए सपना होता है। आप जाते हैं शोरूम में, कार खरीदते हैं, लेकिन उसके जो लोगो बने होते हैं उसके पीछे का मकसद क्या होता है ये आप कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ कार पर ध्यान रहता है। लेकिन हमने ये जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि जो कार हैं और उनके जो ब्रांड्स हैं, उनके जो लोगो हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है, क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या वो जानकारी देना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं BMW से। कार्स की दुनिया में सबसे फेमस लोगो BMW का ही है। BMW ने अपनी शुरुआत हवाई जहाज के लिए इंजन बनाने के साथ की थी, फिर वो कार्स और आखिर में बाइक्स भी बनाने लगे। आमतौर पर लोग कहते हैं BMW का लोगो हवाई जहाज के इंजन के घूमते हुए स्क्रू की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में BMW अपने लोगों में बेवेरियन फ्री स्टेट के रंगों को इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त ऐसा करने की अनुमति नहीं थी और रंगों को पलट देने से उन्होंने संयोगवश इस प्रोपेलर डिजाइन को बना डाला। इसका नीले और सफेद रंग का गोला प्रोपेलर को दिखाता है, ऐसा प्रोपेलर जो हवा में तेजी से उड़ रहा है। BMW ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में एयरक्राफ्ट इंजन से अपनी शुरुआत की थी। तो ये कहानी थी BMW की। और अब बात करते हैं हुंडई की। हुंडई का जो लोगो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग समझते हैं कि ये H लिखा हुआ है, लेकिन ये H शायद नहीं है। क्या है देखिए। दक्षिण कोरिया की ये कार निर्माता कंपनी इंडिया में दूसरे सबसे ज्यादा सेल्स करने वाली कंपनी है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमने हुंडई का गलत लोगो लगा दिया है। असल में ये कंपनी के लोगो का छिपा हुआ मतलब है। हुंडई का लोगो H कोई मामूली नहीं है, इसका मतलब कार डीलर और कस्टमर के हाथ मिलाते हुए तस्वीर है। ये लोगो कार डीलर और कस्टमर के हाथ मिलाते हुए तस्वीर को दिखाता है और गोल आकार कंपनी के दुनिया भर में फैलने का संदेश है। तो हुंडई के बाद बात करते हैं टाटा की। टाटा आपने हमेशा देखा होगा मजबूती के लिए जानी जाती है, और इसमें एक टी बना हुआ है, और इस टी की क्या कहानी है इस लोगो में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपको टाटा के लोगो में सिर्फ टी नजर आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वुल्फ ऑलेंस के द्वारा डिजाइन किया गया टाटा लोगो के पीछे कई मतलब छिपे हैं, जो हमेशा बढ़ते रहने के प्रतीक को दर्शाता है। इसके अलावा इसे ज्ञान के एक फव्वारे के तौर पर भी देखा जा सकता है। साथ ही इसमें भरोसे का एक पेड़ नजर आता है जिसके नीचे लोग शरण लेते हैं। और अब बात करते हैं मर्सिडीज की। आखिर मर्सिडीज गाड़ी से कौन नहीं चलना चाहेगा। एक आम आदमी उसको खरीदने की उसकी हैसियत भी नहीं होती है, लग्जरी गाड़ियों में उसकी गिनती होती है। और मर्सिडीज का जो लोगो है उसके पीछे की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। मर्सिडीज के लोगो में आपने 3-pointed स्टार देखा होगा। ये स्टार 3 तरह की गति को दिखाता है। धरती, पानी और आकाश में चलना ही इस लोगो का मतलब है। मर्सिडीज दुनिया की एक प्रतिष्ठित लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी है। और अब बात हवा से बात करने वाली गाड़ी फरारी की। फरारी का जो लोगो है बहुत दिलचस्प है, उसको देखते ही लोग समझ जाते हैं कि ये फरारी का लोगो है, लेकिन वो घोड़ा क्यों बनाया गया है इसके पीछे की कहानी बहुत पुरानी है, देखिए। हवा से बात करने वाली कार फरारी के लोगो के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल इटालियन रेस का ड्राइवर एंजो फरारी को लड़ाकू पायलट और विश्व युद्ध के नायक काउंट फ्रांसिस्को बराका को सम्मानित करने के लिए अपने वाहनों पर घोड़े का चित्र बनाने के लिए कहा गया था। बराका ने अपने विमान पर ऐसे ही एक घोड़े का चित्र बनाया था, जिसके बाद फरारी ने 1929 में स्कुडेरिया फरारी रेसिंग टीम की स्थापना की और घोड़े के प्रतीक को रखा। इसके साथ ही उन्होंने अपने गृहनगर मोडेना के लिए पृष्ठभूमि में चमकीला पीला रंग भी जोड़ दिया। चार छल्ले, कौन नहीं जानता इन चार छल्लों को। ऑडी की बात कर रहे हैं हम, और ये चार छल्ले ऐसे ही नहीं सामने आ गए। इसकी कहानी बहुत पुरानी है, 1932 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। जरा देखिए, ऑडी के चार गोलों को कौन भूल सकता है। इसे लेने का सपना किसका नहीं होता। लेकिन खरीदने से पहले इसके लोगो के बारे में जान लीजिए।
दरअसल इसके चार जुड़े हुए गोले ऑटो यूनियन कंसोर्टियम के चार फाउंडिंग कंपनीज को दिखाते हैं, जिन्होंने मिलकर इसे 1932 में खोजा था। ये कंपनी DKW, हॉर्च, वॉन्डरर और ऑडी थी। और अब बात करते हैं नाइकी की। नाइकी के शूज, नाइकी के टी शर्ट, नाइकी के जैकेट्स आप हमेशा पहनते आ रहे होंगे, लेकिन नाइकी के पीछे की कहानी क्या है ये भी बहुत पुरानी है। इसके बारे में भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगली बार जब आप जाएं मार्केट में नाइकी को लेने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। नाइकी शूज के लोगों की कहानी बेहद दिलचस्प है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल लोगो डिजाइन करने वाली कैरोलिन डेविडसन पार्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिजाइनिंग की स्टूडेंट थी और वह ऑयल पेंटिंग क्लास लेने के लिए एक्स्ट्रा फंड जुटाने के लिए काम तलाश रही थी। इसी दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर फिल नाइट ने कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने में उनकी मदद मांगी और प्रोफेसर फिल नाइट ने एथलेटिक शूज का अपना ब्रांड शुरू करने का आइडिया कैरोलिन के साथ भी शेयर किया और इसके लिए कोई चिन्ह बनाने में मदद मांगी। कैरोलिन ने नाइकी के लिए चेक मार्क शेप का लोगो बनाया, जो बदलाव और स्पीड को दर्शाता है। प्रोफेसर फिल ने कुछ सालों बाद जूतों का अपना ब्रांड शुरू किया और उसे नाइकी नाम दिया, जो कि ग्रीक की जीत की देवी का नाम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह की नई नई जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, दिखाते रहिए डी मैगजीन।